लाहौर का इलाका कोट शहाबुद्दीन कैसे एक हफ्ते से अंधेर नगरी बना हुआ है। वापड़ा का अमला ऑफिस से गायब। सब्सक्राइब करें धरती न्यूज यूट्यूब चैनल, पास ही मौजूद बेल आइकन को दबाएं और रहें धरती की हर खबर से बाखबर। अहले मोहल्ला जब भी शिकायत के लिए ऑफिस में जाते तो ऑफिस में कोई भी मौजूद ना होता। 30 मिनट हो गए हैं। वो बंदे हैं इनके वहाँ पे जो अपने आप को सिक्योरिटी गार्ड कह रहे हैं, वो यहाँ पे पीछे बैठे हैं, आप उनसे मिले। टीम धरती जब अहले इलाका की आवाज पर वापड़ा के ऑफिस में पहुंची तो वापड़ा के ऑफिस में कोई अमला मौजूद ना था और गॉर्डन का साजो सामान लवारसों की तरह इधर उधर बिखरा हुआ था। कंप्लेन सेल है और कंप्लेन सेल पे कोई भी मौजूद नहीं है। ये गॉर्डनी की चीजें यहाँ पे पड़ी हैं, आप कुछ भी उठा के लेके जा सकते हैं। ये रजिस्टर है, रजिस्टर आप ले जाएं। ये इनका टेलीफोन है, रिसीवर जो इन्होंने नीचे रखा हुआ है। अहले मोहल्ला एक हफ्ते से परेशान थे क्योंकि बिजली की तारें टूटकर जमीन पर गिरी हुई थी। गोला वहाँ जमीन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और बच्चे वहाँ पे हमारे घरों में हैं, पानी नीचे जमीन में खड़ा है और वो जो गोला तार है वो स्पार्क करके आग निकाल रही है। ओए ओए ओए। धरती न्यूज की तगड़ों के बाद अगर एक शख्स ऑफिस में मिला तो जनाब कहते हैं मेरा किसी से कोई रابطہ नहीं, मेरा रابطہ सिर्फ SDO से है। आपका किसी से कांटेक्ट नहीं है? नहीं, SDO साहब का नंबर है, तो उससे बात करनी है। सिर्फ SDO साहब से रابطہ, आपका और किसी से रابطہ नहीं है, किसी से सलाम दुआ नहीं है? तो किसी के पास बिल है, ये एक्शन का नंबर है। जी जी, मेरे पास मैंने ये दे जरा, एक्शन का नंबर दे जरा। मैं एक्शन साहब के नंबर भी आपको डायल कर, ये मुझे बताएं जरा, एक्शन का नंबर बताएं। 0320। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जी, हाँ नवीद बात कर रहा हूँ सर। 3 दिन से इनका मसला हल नहीं किया जा रहा, क्या मसला है, ऐसा क्या इशू आ गया इनका? मसला ये है कि उस दिन हमने बंदे भेजे, ये बंदे लगाने के लिए रेडी नहीं थे। इन बंदों ने खुद कहा है, 2 घंटे मेरे लाइन में वहाँ खड़े हैं, इन्होंने कहा आप चले जाएं, जब हम रेडी हो जाएंगे, जब हम आपस में एग्री हो जाएंगे उसके बाद बंदे भेजिएगा। सर मेरी बात सुने, कौन ऐसा होगा कि जिसको हो गया हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ जाए और वो के जी ना आए? कोई 3 घंटे उधर बंदे खड़े रहे, मैंने बंदे भेजे हैं, इनसे मैंने खुद बात की। सर इतनी भी ना, सर इतनी क्या नाअहली है, यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब लोग जमा हैं, इतनी भी नाअहली क्या है? मेरी बात सुने, तो इनके टाइम पे सुबह के टाइम में दफ्तर नोट लेकर 4 बजे दफ्तर में था, मेरे पास कुछ नहीं है। अभी आपका सर स्टाफ कोई भी नहीं है? कोई तो स्टाफ आपका मौजूद होना चाहिए। एक लाइन होता है, नाइट शिफ्ट में 2 बंदे से ये काम नहीं हो सकता। नहीं पूरे एरिया भी नहीं, नहीं नहीं, ठीक हो गया, मैं समझ गया, लेकिन इस टाइम आपका कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं होता नाइट को? नाइट में सिर्फ 2 बंदे होते हैं। तो सर वो 2 भी नहीं ना है, वो 2 तो मौजूद हो? मैं दफ्तर के अंदर खड़ा हूँ सर, मैं दफ्तर के अंदर खड़ा हूँ, ना आपका कोई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, ना आपका यहाँ पे कोई अमला रिसेप्शन पे है, कोई कंप्लेन पे नहीं है। जी सिक्योरिटी गार्ड से पूछे यहाँ पे कौन सा अमला मौजूद है और इनका मसला कब हल होगा? सर एप्लीकेशन जमा होगी तो ये रात ऐसे ही रहेंगे फिर? तो भाई मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप दिन के टाइम आते, दिन के टाइम जिस वक्त स्टाफ अवेलेबल होता मैं उनको साथ भेजे। वो दिन के टाइम एप्लीकेशन आके जमा करवा चुके हैं, 5 बजे का वादा किया हुआ था आएंगे हम पूरी टीम। दिन के टाइम किस जमा करवाएंगे? क्या नाम था? राणा शफाकत, राणा शफात, राणा शफात, जी शफात। मैं उधर अगर एप्लीकेशन थी मैं दफ्तर में था सामने। सर आपका आपका अमला इनको SDO को ऑफिस नहीं जाने देता? आप 5 बजे तक की मीटिंग की, कोई आप इधर पहुंचे ही नहीं, उन्होंने फिर 6 बजे क्योंकि सर जी जी सर मैं दो खड़ा रहा सर, 2 टुक बात करता हूँ। देखिए ना इतना इतना बंदा, इतने ही आवाम झूठ तो नहीं ना बोल सकती, ये बिल्कुल तंग होके आए हैं, ये बिल्कुल तंग होके आए हुए हैं। जो रिस्ट्रिक्शन कर रहे थे वो मान गए हैं, आप आगे हमारा कनेक्शन उन्होंने कहा SDO साहब मौजूद नहीं है जिन्होंने साइन करने हैं, इसलिए 6 बजे तक हम आपका मसला हल नहीं कर सकते। अब सुबह होगा, ठीक है, ये राणा साहब ने बोला है आपको सुबह एप्लीकेशन दी है और ये बोला जिसकी हम बात कर रहे हैं सर, वहाँ पे आग नीचे गिर रही है, वहाँ वो बच्चे हमारे ही हैं, वो भी इंसान है,
जानवर नहीं है हम लोग, ठीक है। तीन दिन से हम लोग वहाँ पे परेशान है, कोई बंदा वहाँ आ नहीं रहा। कल आपकी टीम आई है, वो हमें लारा लगा के गए हैं कि हम तार लेने के लिए जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर वो वापस आए नहीं। सुबह हम एप्लीकेशन लेके आए, फिर बंदा मौजूद नहीं है, क्योंकि वादा 20 बंदे सुबह आए हैं, 50 बंदे एक मिनट जी जी ठीक है, मैं मान गया जी, लारा लगा दी है। कल से सर मैंने कल वापडा जो लेस्को मेन जो आपकी कंप्लेंट है वहाँ कॉल की है। यहाँ मेरे 12 भाई आए हैं, वो 12 के 12 एप्लीकेशन दे के गए हैं, उनके नाम नंबर और कॉन्टेक्ट और उसके बाद जो रेफरेंसेस नंबर है सब कुछ जो दर्ज है एप्लीकेशन में मौजूद है। हमें ये लारा दिया गया है कि जी 5 बजे करेंगे। मैं आपको सर बताता हूँ, इतवार को ये गोला गिरा है, वहाँ टेम्प्रेरी अरेंजमेंट किया, हमने मना किया है कि टेम्प्रेरी अरेंजमेंट ना करें। उन्होंने कहा नहीं जी वक्त ही चला रहे हैं, सुबह ठीक हो जाएगा। इतवार को गुजरे सर, आज 5 दिन हो गए। सर मेरी बात सुन लेना प्लीज, सर प्लीज आप सुन लें, प्लीज मेरी बात सुन लेना। इतवार को पाँच बजे आए हैं शाम को, ये मेरी बात सुन लें सर। हफ्ते की रात को तार गिरी है वहाँ, बहुत तेज करंट जारी चलता रहा है। सर सुन लेना प्लीज, सुन लें आप, पहले सुन तो लें पूरी बात, पूरी बात सुन लें। संडे सैटरडे नाइट को ये तार गिरी है, वहाँ करंट जारी रहा, हम लोगों ने कंप्लेंट सेल लेस्को में हेडक्वार्टर में कॉल किया है, वहाँ से 24 घंटों में रिस्पांस मिला है। 24 घंटे के बाद वो आए हैं, वो सबको लारा लगा के चले गए हैं कि बस ये टेम्परेरी ठीक कर रहे हैं, सुबह आपको ठीक कर देंगे। दोबारा फिर 3 दिन बाद वही मसला है, 3 दिन हो गए आज फिर जलील हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप कहते हैं सुबह हो जाएगा, शाम हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, एक्सन साहब फ़ोन नहीं उठाते, SGO साहब फ़ोन नहीं उठाते, कंप्लेंट सेल लेस्को का इतना वीक है कि वो बात नहीं कर सकता। कहाँ है सेफ्टी वाले, कहाँ है सिक्योरिटी वाले? मैंने भी काम करवाया हुआ है प्राइवेट कंपनी में, ऐसा कौन सा काम है जो आप लोगों को ये पता नहीं कि इंसान की जान कीमती है वहाँ पहुँचे? सर वहाँ को 200 घर है, एक मिनट अब उनके सुन ले, एक मिनट आपने बयान, वहाँ 200 घर है, वो कौन करेगा? जितनी देर होगी आपको यहाँ पर मौजूद? हम तो यहाँ से 4 बजे जब आए थे ना, जब यहाँ पर थे, उसके बाद जब हमने ये आए ना इस कमरे के अंदर, ये 7 बजे हम आए, ये इनका कम्प्लेन सेंटर है, यहाँ पर इनकी ये ऐसे पंखा चल रहा था, लाइट यहाँ पर, ये कम्प्लेन सेल है और कम्प्लेन सेल पे कोई भी मौजूद नहीं है, ये गवर्नमेंट की चीजें यहाँ पे पड़ी हैं, आप कुछ भी उठा के लेके जा सकते हैं, ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड आप ले जाएं, ये इनका टेलीफोन है, रिसीवर जो इन्होंने नीचे रखा हुआ है। बाद हमें कॉल आई ना, रिसीवर नीचे रखने का मकसद इनका यही है कि हमें कोई कॉल आई ना, और अगर कोई कॉल आ रही है तो ये पिक भी नहीं कर रहे होंगे जो इनके अपने नंबर हैं। हाँ बिल्कुल बिजी जा रहे हैं, अभी आप मिला के देख लीजिए, सारे नंबर बिजी है, SN भी फोन नहीं उठा रहा और दूसरे भी जो है फोन कोई भी नहीं उठा रहा। हाँ जी हाँ जी, ये इनका रिसेप्शन रूम था, कंप्लेन रूम भी था, बाकी जो है कमरे जिधर ये बैठे होते हैं, ये सारा GT रोड का स्टाफ बैठते हैं, आपने देखा जनरल सेक्शन लिखा हुआ GT रोड, और ये जनरल सेक्शन है, ये ताला लगाया, ताला लगा के भागे हुए हैं यहाँ से, यहाँ पे ताला लगा के भागे हैं। ये कौन सा रूम है? सब डिविजन, ये भी लॉक है, ये भी लॉक है, ये हाल है इनकी सिक्योरिटी की। यहाँ पर कोई चोर आ जाए, डकैत आ जाए, लोग मस्जिदों से चीज़ें नहीं छोड़ते, ये गवर्नमेंट का अमला है, गवर्नमेंट की जगह मौजूद है, ऊपर भी है, ऊपर भी है, ऊपर ऊपर आ जाए, जरा देख लें ऊपर, आ जाए ये देख लें, ये सारे कोट शहाबुद्दीन के लोग हैं, सारे कोट शहाबुद्दीन के हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से हैं, ये इनका स्टोर है, ये भी लॉक है, ये पूरा वापडा कमरा फरार है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ये वापडा का ऑफिस नहीं है? मैं मीटर तो रीडिंग करता हूँ। ठीक है, आप मीटर रीडिंग करते हैं? ये रीडिंग सेक्शन है। तो रीडिंग सेक्शन है, बाकी आपका अमला किधर है सारा? सारे छुट्टी हुई चले गए। नाइट पे कोई अवेलेबल नहीं होता? नाइट पे है ड्यूटी। किधर है जिनकी ड्यूटी? मुझे नहीं पता, हम लाइन स्टाफ से। सर आप इधर ही ड्यूटी करते हैं ना? हम अपने रीडिंग, आपका किसी से कांटेक्ट नहीं है? नहीं, SGO साहब का नंबर है, तो उससे बात करेंगे। सिर्फ SGO साहब से रब्ता, आपका और किसी से रब्ता नहीं है? किसी से सलाम दुआ नहीं है? नहीं, हमारा सेक्शन। तो सर ये जो आपकी यूनियन बनी है, फिर ये किस लिए बनी हुई है अगर आपका किसी से रब्ता नहीं? आप इनको भी नहीं जानते होंगे जिनकी फ्लैक्स आपने लगाई हुई है? हमारा से तलक नहीं, हमने अपनी ड्यूटी करनी है। आप भाई थोड़ा साइड पे हो जाइए, जरा ये फ्लैक्स दिखाएं जरा। सर आपका नाम क्या है? साजिद। साजिद साहब आपने कह दिया आपका किसी से कोई रब्ता नहीं है, आप खुद करें SGO साहब से, कॉल हमारी नहीं रिसीव कर रहे, आप खुद करें जरा कॉल, आप खुद SGO साहब को कॉल करें ना। ये नीचे, ये इतने से नहीं है, ये सारे नीचे मजमा लगा हुआ है, तकरीबन 100 के करीब लोग हैं। किस एरिया से हैं आप? ये किस एरिया से आप लोग? ये कोट शहाबुद्दीन के एरिया से और माचिस फैक्ट्री एरिया से। माचिस फैक्ट्री का जो एरिया है हमारी सब नहीं है, हमारी कराता रोड एरिया जो जमीन पर ये वाला एरिया हमारे पास। तो आप अगर दूसरे एरिया में कोई इशू है तो वो नहीं करते? साथ वाली है, उधर जाएं।
आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है सर? आप कालकताई रोड से हैं? ये कालकताई रोड से आए हुए हैं, इनकी सुन लें। भाई कोई रीडिंग का मसला, हम रीडिंग का मसला हल कर सकते हैं, दूसरा हमारा मुतलका है ही नहीं। तो सर आप ऑफिस आपका सिर्फ ये यहीं पे सारा अमला बैठता है, वो किधर है? उन अमले को ही बुला दें, नाम बता दें, चले मुझे नंबर दे दें उनका, जो बाहर क्या लाइन गया ना, लाइन सुपरिटेंडेंट वगैरह, उनका नंबर दे दें मुझे, नंबर लिखवा दें ज़रा। 0321 42 46 96 179 179। क्या नाम है इनका? आप इधर आ जाओ ज़रा, नाइट ड्यूटी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो हेलो, जनाब बात करना पसंद नहीं कर रहे, ये इनके ऑफिस नंबर होते हैं, ये सरकारी नंबर है, एस डी ओ साहब मसरूफ हैं, ये पकड़ लें जरा, ये नाइट ड्यूटी भी कर रहे हैं, आ जाए सर। सजाद साहब का कहना है जी मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इनको किसी को नहीं जानता, मेरी ड्यूटी है, मैं काम से काम रखता हूँ। तब्दीली के नारे धरे के धरे रह गए, लेकिन कुछ अदारों के सर पर जो भी नहीं रेंग रही, इसी तरह चलता रहेगा। वापडा का हमला भी उसमें शामिल है। अब वापडा के हमले की जो ना अहलिया आपके सामने है कि एक एक हफ्ता लाइट गई रहती है, तारे ज़मीन पर गिर जाती है, इस वजह से किसी बच्चे की जान चले जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट इसकी जवाब दी है, वापडा का हमला इसका जवाब दी है, कौन इसका जवाब दी है, इन्हें कौन पूछेगा? कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दें। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।